नमस्कार दोस्तों, वैसे तो शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा होती है, लेकिन इस दिन हनुमान जी की आराधना करने से उनकी और शनिदेव की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की मुराद पल भर में ही पूरी कर देते हैं। अगर आप शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को कुछ विशेष चीजें चढ़ाकर आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज हम आपको शनि दोष से बचने के लिए हनुमान जी के कारगर उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाएं ये चीजें। शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल रंग के फूल अर्पित करें। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ होता है। इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको धन संबंधित मुश्किलों से भी छुटकारा मिल जाता है। शनिवार के दिन एक नारियल लेकर हनुमान मंदिर जाएं। उस नारियल को हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर अपने सिर पर 7 बार लगाएं और हर बार ऐसा करते हुए ओम हनुमंते नमः का जाप करें और फिर उस नारियल को वहीं हनुमान जी की तस्वीर के आगे ही फोड़ दें और वह नारियल हनुमान जी को अर्पित करें और उनसे अपने जीवन में आ रही परेशानियों और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी तरह के शनि दोष दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़कर उन्हें साफ पानी से धोकर इन पत्तों पर चंदन से श्री राम लिखें और इनकी एक माला बनाकर हनुमान मंदिर ले जाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। दोस्तों, अगला शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो ये दीपक मिट्टी का हो। फिर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको हनुमान जी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा यंत्र जो कि एक लॉकेट के रूप में होता है, उसे भी हमेशा के लिए अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ उपाय आपको आपके जीवन की परेशानियां दूर करने में मदद करेंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।